दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के हमारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन में। और आज हम आए हैं देश के वरिष्ठ चिकित्सक जो कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग तीनों विद्याओं में आपको इस सजेशन देंगे, और तीनों विद्याओं के आप विशेषज्ञ भी हैं। आपका नाम है केपी सिंह जी, और केपी सिंह जी हमें बताएंगे मॉडर्न साइंस में जिन रोगों को क्योरेबल नहीं माना जाता है, एग्जाम्पल जैसे कि बीपी है या थायराइड है या इसके अलावा डायबिटीज़ है, तो क्या इनका निदान संभव है आयुर्वेद द्वारा, नेचुरोपैथी द्वारा? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डॉक्टर साहब से लेंगे। आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा योग में निष्णांत हैं, तो आपसे हम बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिन्हें कि आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि, या कह सकते हैं मॉडर्न जो मेडिसिन पद्धति है, क्योरेबल नहीं है, उनके लिए आपको ज़िंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेंगी? कुछ हमने यहाँ पर बता दिया है अपने नॉलेज के आधार पर, जैसे वीपी है, थायराइड है या डायबिटीज़ है, ऐसे और कौन से रोग हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस के पास आज भी कोई इलाज नहीं है? ओम धन्यवाद। देखिए, आज की विज्ञान जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जो हमारी पुरातन साइंस है, जो हमारे ऋषियों की विज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों का साइंस है, जिसे योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, ये यज्ञ चिकित्सा, जिसके पीछे अभी तक बहुत बड़ा रहस्य पर्दा पड़ा हुआ था और छिपा हुआ था, और जो लोगों को नहीं पता, तो लोग मजबूरी में मॉडर्न मेडिकल साइंस में जा कर के अपना इलाज कराते हैं। लेकिन वहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट तो है, लेकिन क्योरेबल नहीं है बीमारी। चाहे वो सर दर्द हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे वो थायराइड हो, सभी बीमारियों को वो मैनेज करते हैं। खाली वो सिस्टम पर काम तो यानी लक्षणों का उपचार किया जाता है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, रोग के कारणों को नहीं जाना जाता, रोग को जड़ से ख़त्म करना तो संभव है ही नहीं। चाहे ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की गोलियां दे देंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर किस कारण से है उस कारण को ख़त्म नहीं किया जाएगा। डायबिटीज़ को भी यही कहा जाएगा कि आप ज़िंदगी भर डायबिटीज़ की गोलियाँ खाइए, खाते रहिए, खाते खाते मर जाइए, लेकिन डायबिटीज़ सही नहीं होगी। इसी बिल्कुल तरीके से थायराइड को भी एक ऐसी प्रॉब्लम बना दिया है कि आप इसके लिए भी ज़िंदगी भर दवाई खाएंगे। कुल मिला के हम किसी पद्धति की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आप योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से 100% समाधान कर सकते हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि नेचुरोपैथी में तो ऐसे ऐसे रोगों का समाधान संभव है, और केवल हम ही नहीं, देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इनका लाभ ले चुके हैं, चाहे वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, जहां पर कि नेचुरोपैथी द्वारा परमानेंट सोल्यूशन हुआ है उन रोगों का, जो संभव नहीं है कि आप रोज गोलियां खाते रहें उनसे संभव हो। जी, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आपको सबको पता है कि सरदर्द होता है, सरदर्द के बहुत कारण हो सकते हैं। वो वात के कारण भी होता है, पित्त के कारण भी होता है, कफ के कारण भी हो सकता है, अलग अलग, तो उसके भी कैटेगरीज हैं अलग अलग। अब उसको हम माइग्रेन भी कह देते हैं, माइग्रेन के लिए वो पेन किलर देते हैं। यहाँ पर हमारे एक बहन जी बैठी हुई हैं, जिनको सिर दर्द रहता था, वो ब्रूफेन नाम की एक गोली खाती रहती थी, तो उससे उनके शरीर पर सूजन आ गई, शरीर पर पैरों पर सूजन आ गई, उनकी भूख लगनी, गोली खाने से हाँ गोली खाने से उनकी भूख लगनी कम हो गई, और उनका जो है मल है वो अंदर अंदर सूखने लगा, यानी उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो लगातार पेन किलर खाने से। तो इस समय वो मेरे अंदर यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रही हैं, योग का, आयुर्वेद का, तो इसके दौरान उनका सिर दर्द खत्म हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया है। अब उनको कोई सिर दर्द नहीं है, और ना ही वो कोई दवाई लेती है किसी वैसे प्रकार पेन की। किलर का काम क्या होता है डॉक्टर साहब? केवल जो मस्तिष्क को संदेश जाता है दर्द का, उसे इंटरप्ट कर यस, देना, रोक देना, बेसिकली पेन किलर, समाधान नहीं हाँ, है। जितने भी पेन किलर्स हैं वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। जैसे कोई चीज़ का संदेशा जहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पहुँचने से बीच में ही वो उसे ब्लॉक कर देते हैं,
तो उससे वो उसको पेन रिलीफ मतलब पता नहीं लगता कि भाई मुझे पेन हो रहा, पेन तो हो रहा है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे पेन नहीं है, यानी आदमी को अपंग बनाया जा रहा है। यानी पेशेंट को ये लगता है कि मुझे आराम मिल गया, स्ट्रेस रिलीफ तो मिल गया, स्ट्रेस रिलीफ के चक्कर में वो लगातार उसी चीज़ को फिर रेगुलर कर लेता है, लेकिन पता लगता है कि उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट परमानेंट साइड इफेक्ट भी दे रहा है उसको। इसके चक्कर में क्या होता है बाद में वो व्यक्ति वो उस पेन किलर को लेते 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 जब शरीर में अन्य उपद्रव होते हैं तो कहता अब तो मेरे पास ये भी समस्या हो गई, ये भी समस्या हो गई, तो फिर वो दूसरी डॉक्टर बदल देता है, यानी दूसरी चिकित्सा पर चला जाता है। तो हमने देखा ज़्यादातर हमारे पास जितने भी रोगी आ रहे हैं उनको हम यही देख रहे हैं कि वो परेशान होकर आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा भाई आप यहाँ क्यों आए हो, ये तो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी कि जब कोई रास्ता नहीं है लास्ट में हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हम बहुत दिन से चिकित्सा ले रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से, अलग अलग आदमी के अपने अपने बीमारी की अलग अलग टाइमिंग है कि उसने समय से हमने चिकित्सा ली लेकिन हमें कोई भी आराम नहीं लिया, हमारा रोग बढ़ते ही जा रहे हैं और कोई आराम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपके पास आए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हमने उनको योग कराया। जब हम उनको योग कराते हैं रेगुलर तो योग कराने से ही हमारी 70% लोग तो ठीक होने लगते हैं, 30% में हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर और यज्ञ चिकित्सा को शामिल करके उसको पूर्ण रूप से उस सिम्प्टोमेटिक रिलीफ नहीं देते, सिस्टम कार्य करते हैं, यानी सिस्टम को ठीक कर देते हैं। जिस कारण से रोग है वो कारण ही सही हो जाए, जो रोग है उस कारण का है निवारण कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। तो आपके पास करंट में ऐसे हैं कोई हैं लोग जाना कुछ है? ऐसे मेरे पास में आज भी अभी भी इस समय भाई मनीष जी हैं जो कि डायबिटीज से ग्रस्त थे, अभी वो नॉन डायबिटिक हैं, उनकी तथ्य प्रमाण रिपोर्ट्स हमारे पास हैं पहली, और अब वो आज की डेट में जब उनके शरीर में दर्द भी रहता था और उनको बीपी भी था, अब वो आपके हम सामने हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं। तो मनीष भैया जी आप बताइए आपको क्या दिक्कत थी? मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी और डायबिटीज हो गया था। आपकी एज क्या है वैसे? एज है 31। यानी इस उम्र में ही बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, सोचिए कितनी दिक्कत की बात है, यानी कि हमारा खान पान व्यवहार ऐसा हो चुका है काफ़ी वैसे चिंता की बात है। तो कितना बीपी रहता था आपका लगभग? बीपी 140 रहता था। 149 तक पहुंच गया था। अच्छा, उससे क्या दिक्कत होती थी वैसे शरीर में? मतलब कि घबराहट जैसा होता था, मतलब कि पसीना होना। अच्छा, बहुत सारी दिक्कत होना, बॉडी पेन करना। तो आप डॉक्टर साहब के पास कितने दिन पहले आए? मैं लगभग 20 दिन पहले आया था। 20 दिन करीब हो गया। तो अगर आपसे पूछें तो लगभग कितने परसेंट आपको आराम है? 50% से ज़्यादा आराम है, 75%। तो मनीष जी आप कहाँ से आ रहे हैं और किस टाइम लगभग आते हैं यहाँ पर? सुबह आप योग तो सिखाती हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह भी देते हैं आयुर्वेद में भी? हाँ, मेडिसिन लेते हैं। अच्छा, मैं जहांगीरपुर से आता हूँ, मैं बिजली घर में काम करता हूँ, WPDCL का बिजली घर है यहाँ पे जहांगीरपुर में, 765 KV का। मैं जहांगीरपुर से आता हूँ, मैं वहाँ पे बिजली घर में काम करता हूँ, WPDCL का बिजली घर है जी, 765 KV का, वहाँ पे मैं सीनियर इंजीनियर हूँ। वहाँ से मैं 4:30 बजे निकलता हूँ तो यहाँ पे मैं 5 बजे तक आ जाता हूँ। बहुत एक्टिव आदमी है आप, जो इतनी लगभग 18 किलोमीटर यहाँ पर आ रहे हैं आप, 20 किलोमीटर आते हैं, 5 बजे आ जाते हैं यहाँ पर, करेक्ट? बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। मुझे वही बीपी की और शुगर की प्रॉब्लम थी। अच्छा, शुगर की भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो लगभग आप 50% करीब आराम है? 50% से ज़्यादा है 20 दिन में। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और आपके रिपोर्ट्स हम यहाँ पर दर्शकों के साथ शेयर कर देंगे ताकि लोगों को यहाँ पर ट्रस्ट हो कि वास्तव में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारी 100% क्योरेबल हैं, केवल आपको सही सिस्टम में यानी कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पे यानी हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा बताई गई उन पद्धतियों पर आने की और उनके जानकारों के पास जाने की ज़रूरत है। वरना दूसरा तरीका एक और भी है कि आप दवाई खाते रहिए और ऐसे ही मरते रहिए, दूसरा तरीका कोई नहीं है। तो अगर आपको बचना है तो आपको आना पड़ेगा। हमारे मनीष जी जो बहुत पढ़े लिखे और एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, काम भी करते हैं और कितने एक्टिव हैं कि सुबह 4:30 बजे चल देते हैं और 5 बजे तक 20 किलोमीटर दूर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है इन पद्धतियों पर और उसका लाभ भी ले रहे हैं। बाकी जब इन्हें 100% भी फायदा हो जाएगा, फिलहाल 75% है, तब आपके साथ भी रिपोर्ट शेयर कर दी जाएंगी।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई नई जानकारियों के साथ योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में। और धन्यवाद करते हैं हम डॉक्टर साहब का जो कि हमें सहयोग दे रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। और अगर आपको भी कोई समस्या है तो आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहाँ से आप कॉल कर सकते हैं और पर्सनल सजेशन भी ले सकते हैं अगर आप भी ऐसी बीमारियों से त्रस्त हैं जिनका आपको इलाज कोई नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार दोस्तों।